Hey guys, welcome to E24. मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और फाइनली कह सकते हैं वो दिन आ रहा है जब महारानी सीजन 2 आपके सोने लिव पे ऐप पे जल्द ही बहुत जल्द आने वाला है। हम सबको बहुत दिन से इंतजार था। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं हुमा से मिला था और उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे मेरा पहला सवाल यही था उनसे कि सीजन 2 कब आ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस साल ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, एंड फाइनली वो घड़ी आ गई है। सत्ता की चाह में एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में किस तरह से दरार आया है और उस दरार को क्या इसमें वो पूरा भरने वाले हैं या क्या कुछ होने वाला है, ये सीजन 2 में दिखेगा। और इस वक्त हमारे साथ खुद रानी भारती यानी कि हुमा कुरैशी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। अच्छा बोलते हो आप यार, मुझे तो डर है कि अगर सुभाष कपूर ने आपको देख लिया तो आपको ही ले लेंगे मतलब शो में। इतना बढ़िया बोलते हो, बहुत ही अच्छा। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूं, थैंक यू। जब ट्रेलर आउट हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर थे, आपको किस तरह के सबसे पहले फीडबैक मिले मुझे वो जानना है सीजन 2 के लिए। यस, आई थिंक यही था रिएक्शन, सब लोग वेट कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। सबने बोला कब आ रहा है, तो हम साल भर तक लोगों के जवाब दे रहे थे कि हाँ जल्दी आ रहा है गाइस, जल्दी आ रहा है, लिख रहे हैं अभी, शूटिंग कर रहे हैं, एडिट हो रहा है। बट आई थिंक एक जनरल एक्साइटमेंट है लोगों को सीजन 2 को लेके, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि सीजन 2 सीजन 1 से और बड़ा है, बेहतर है। और जो जो चीज़ें आपको कैरेक्टर्स आपको सीजन 1 में पसंद आए थे, जिनसे आपके इमोशन जुड़ गए थे, वो आप देखिए क्या करते हैं। इस बार हमें रानी भारती का कौन सा रूप दिखने वाला है, अगर थोड़े से में अगर आप हमें बताना चाहें तो? पावरफुल, बिकॉज आई थिंक सीजन 1 में रानी नहीं थी, अभी बनी थी पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर, तो स्टिल फिगर आउट कर रही थी कि मैं क्या करूं कैसे करूं। बट सीजन 2 में यू विल सी रानी इन ऑल हर ग्लोरी। कहते हैं कि सत्ता की चाह हर किसी को अंधा कर देता है, ऐसा है इसमें। हमने देखा कि आप सच्चाई के कदम पे चली हैं, अब आपके ऑन स्क्रीन हस्बैंड को आपने जेल में भी डलवाया, सब कुछ हुआ। जब ये रिसर्च चल रहा था सीजन 2 के दौरान, तो कुछ ऐसी चीजें सब्जेक्ट्स जो आपके सामने आई हो जो आपको बहुत ही हैरान करने वाला हुआ हो, अगर नहीं आप? मैंने कोई रिसर्च नहीं करी। रिसर्च देखिए काम होता है डायरेक्टर का, शो रनर का, राइटर्स का, ये उनका डिपार्टमेंट है, तो हम उनको उनका काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं कि भाई स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये जो 25 पेज डायलॉग है इनको याद कर लो और बिहारी एक्सेंट में ठीक से बोल दो। इतना ही हम कर पाए तो बहुत होता है हमारे लिए। पिछले सीजन में शुरुआत में हमने देखा कि आप अपने पति को चाहती थी कि वो आए आपके साथ टाइम स्पेंड करें, देन यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो क्या इस सीजन में हम देखेंगे कि आप फिर से अपने पति को वापस पाना चाहते? बिकॉज लास्ट में हमें वो प्यार दिखा था जब आप जेल गई थी और उन्हें विजिट कर रहे थे। ट्रिकी है ये रिलेशनशिप भीमा और रानी का, ना बहुत ट्रिकी रिलेशनशिप, क्योंकि ऑफकोर्स प्यार है, ऑफकोर्स केयर है, ऑफकोर्स कंसर्न है, और रानी बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल औरत है, बहुत पतिव्रता जैसे बोलते हैं, पति के लिए व्रत रखना, उसकी आयु के लिए दुआएं मांगना, अपने घर फैमिली को सबसे बढ़ के रखना। बट जब वो एक पॉलिटिशियन बन जाती है और वो बिहार में दिखती है क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद को रोक नहीं पाती है, और पति को जिसको वो देवता मानती है, जब सीजन 1 के एंड में हम देखते हैं कि एक्चुअली वो खुद कितना करप्ट है, और जो इमेज आपकी भीमा भारती इस लीडर को लेके थी वो जो एकदम चेंज होती है, तो रानी का कहीं ना कहीं दिल टूटता है। जब आप किसी को बहुत बहुत बड़ा मानते हो ना, वो इंसान आपको इस तरीके से धोखा देता है, तो वेन यू कहते हैं ना आपके जो लेजेंड्स होते हैं, आपके जो भगवान होते हैं, जब वो गिर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रानी ने रिएक्ट किया उस चीज़ पे और सही कदम उठाया, बिकॉज दैट वॉज द राइट थिंग टू डू। सत्ता करप्ट करती है, बट रानी को तो नहीं किया सीजन 1 तक, अभी देखिए आगे क्या होता है। हम सबको बेशक इंतजार है सीजन 2 का। इतना बता दूं मैं, सीजन 2 जैसे ही शुरू होगा और आप पहले के 10 मिनट देखेंगे तो आप मुझे कॉल करके बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, रियली कैसे, मतलब बताओ बताओ बताओ, और उसके बाद आप जो बिंज वॉच करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर हम आपसे जानना चाहें, जब सीजन 1 आउट हुआ था उसमें any memory which is very much close to your heart from season 1 agar aap share karna? I think they all are on set memories because bahut mushkil character tha, bahut scary tha mere liye, especially you know, is show ko lead karna, headline karna ek bahut badi responsibility hoti hai, aur 2-3 ghante ki film nahi hai, matlab ye pura 9-10 ghante ka content hai, to tab to character ko pakad ke rakhna, to normally kya hota hai jab scene do log kar rahe hote hain to aap bach jate ho, but jab khali akele aapko dialogue bazi ya nare bazi ya speeches deni hoti hai, तो इट्स जस्ट यू एंड द कैमरा, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी स्कैरी। बट मुझे बहुत मज़ा आया, खासकर हम जब जम्मू असेंबली में गए और वहाँ जो मैंने भाषण दिया और फर्स्ट टाइम रानी ने पब्लिक में अपनी दिल की बात रखी सीजन 3 में या एंड में जब वो भीमा को जेल भेजती है, तो दोज वर माई वेरी वेरी स्पेशल डेज
एंड आई थिंक सम ऑफ माई वेरी वेरी ब्यूटिफुल वर्क. जब भोजपुरी एक्सेंट भी पकड़ना था, क्या कुछ हुआ उस समय चल रहा था? बिकॉज आई हैवन्ट टेकन दैट इंटरव्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई जस्ट वांट टू नो दैट पार्ट ऑफ की क्या कुछ मन में चल रहा था. मन में एक्साइटमेंट थी कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, अपने आप को री इन्वेंट करने की. आई थिंक सब लोग मुझे अब काफ़ी वक्त से जानते हैं, मैं कैसे बात करती हूँ, कैसी हूँ, दिल्ली से हूँ, कितना पढ़ी लिखी हूँ, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास है ही. मतलब आप इतने साल से मुझे देख रहे हो, तो मुझे भी लगा कि अब मैं अलग और क्या कर सकती हूँ एज एन एक्टर. क्योंकि आई थिंक अगर एक्टर सेम चीज़ करता रहे, और अब वो ज़माना तो है नहीं कि आपका बाल भी चेंज नहीं होंगे और आपके कपड़े पहनने का ढंग भी चेंज नहीं होगा, तो आई थिंक एज एक्टर्स यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ. आपके लिए क्या अच्छा एक स्क्रिप्ट ज्यादा मायने रखता है, या फिर एक अच्छा डायरेक्टर जिसमें आप पैरेलल लीड भी हो सकती हैं, क्या कुछ? नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अच्छी स्क्रिप्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना स्क्रिप्ट के डायरेक्टर अच्छा डायरेक्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा. जब तक लिखा नहीं हुआ है पेज के ऊपर तो कुछ नहीं हो पाएगा. अच्छा डायरेक्टर हाँ एक अच्छी स्क्रिप्ट को और अच्छा कर सकता है, आपको और पुश कर सकता है कि आप अपना बेस्ट काम करो. जैसे महारानी की स्क्रिप्ट इज एन आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट, आउटस्टैंडिंग ऑन पेपर. चाहे मेरा मानना यह कोई भी एक्टर करता उसको इतनी तारीफें मिलती. Right. But then of course when Subhash sir comes in, when Ravindra Gautam jo is season ke director hai, he comes in, when all the other actors come in, to wo aapko help karte hain, push karte hain ki aap aur acha kaam karo aur achi performance do. Huma aapne har ek naam lo har ek platform pe aapne kaam kiya hai, whether nahi sab pe nahi kiya, do teen jagah hai wo playlist mein ho jayenge, banaye hain maine, is saal ho jayenge. So whether it's Bollywood, whether it's Hollywood, whether it's OTT, aapne sare platform pe kaam kiya hai, kya ab bhi aapke परफॉर्मेंस प्रेशर होता है व्हेन यू आर लाइक ऑन, जब कैमरा ऑन होता है? डेफिनेटली बटरफ्लाइज होते हैं, डर लगता है, लगता है कि आज एक्सपोज हो जाएंगे, कुछ नहीं आता. मैं तो हर दिन सेट पे जाती हूँ कि आज सबको पता चल जाएगा इसको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है, तो वो डर रहता है. वो उसे बोलते हैं, टर्म भी होता है उसका, इम्पोस्टर सिंड्रोम. Wow. या ये मुझे एक्चुअली बाद में पता चला कि जो आप फील करते हो कि अरे अरे अरे, जो घबराहट होती है उसे इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं. बट आई थिंक वो डर लगना अच्छा भी है, क्योंकि वो डर ना होना तो आप बहुत ज्यादा अगर कंप्लेसेंट हो जाओ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ, तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे. right. और हमको थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, यू नो. सीजन वन के सक्सेस के बाद लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा है. सीजन टू में जब आउट हुआ था, तो वो जो एक कंधा आपके कंधे पे पूरा सीजन टू, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा है इस सीजन को लेके? बड़ा मजा आ रहा है. बहुत प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ. बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर आप जब ऐसा कैरेक्टर करते हो लाइक रानी भारती, जिससे लोगों के इतने इमोशन, इतना प्यार यू नो हो जाता है लोगों को, तो अच्छा लगता है. यू नो बिकॉज आई फील प्रेशर नहीं आता. आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छी प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अपने साथ, अपने कैरेक्टर के साथ लेके चलना चाहते हो उसके डिसीजंस में. कहीं ना कहीं रानी जो कैरेक्टर है बहुत आइकॉनिक इसलिए भी, क्योंकि अच्छी सीख देता है लोगों को. राइट. यू नो, तो आई फील इट्स अ वेरी प्यारी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोहम शाह की हम बात करें, आपके को स्टार हैं, वेरी फैब एक्टर, आप भी बहुत ही उम्दा कलाकार हैं. आप लोग अपनी एनर्जी जब साथ में रहते हैं, तो किस तरह से आप लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं? चाहे सोहम हो, चाहे अमित हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग खूब मस्ती करते रहते हैं. अभी इतना आप हैवी जब सीरियस शो कर रहे होते हो, तो अगर आप मस्ती मजाक ना करो तो मतलब काम नहीं हो पाएगा. तो वी आर ऑलवेज जोकिंग, एवरीवन इज अ फूडी, और सब मस्ती मजाक करते रहते हैं. तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी. और इस बार हम जब वापस शूट करने गए, तो हम सेम होटल्स में रुके, जो मेरा कमरा लास्ट टाइम था सेम कमरे में रुके, सेम जगहों पे हमने शूट किया, बहुत सारी सिमिलर लोकेशंस, जैसे रानी का घर हो गया है, वॉट एवर. तो ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गए. बहुत प्यारी फीलिंग आई. एंड जब इस बार इस वक्त इस जब ट्रेलर आउट हुआ था, इस ट्रेलर में मतलब बहुत कुछ हमें देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा, जो हमने न्यूज़ में देखे हैं बहुत जगह पे ऐसा. इस ट्रेलर में ऐसा कौन सा सीन था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था? मतलब बिकॉज हम समझे. समझ गया मैंने. अच्छा, लास्टली हुमा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू जो मेरे पास है. मैं चाहता हूँ कि मैं वो लेके आऊँ, विच आई कैन राइट. या ऑफ कोर्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, दिस इज योर टाइम. सो सिंस यू हैव कंप्लीटेड 10 इयर्स एंड इट वाज सो योर बर्थडे आल्सो, सो आई हैव बॉट अ केक फॉर यू. सो स्वीट, दिस इज द स्वीटेस्ट. साल कम्प्लीट हुए हैं.
थैंक यू सो मच फॉर दिस, यू आर वेरी स्वीट है बाबा. थैंक यू, थैंक यू सो मच. खालो खालो, पूरा खालो. थैंक यू, गिव मी अ हग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाउ लवली. सो लास्टली हम जानना चाहेंगे, 10 साल कंप्लीट हुए आपके, किस तरह से जर्नी रही आप अगर हमें बताना चाहें. अभी तो शुरुआत है, अभी तो कहते हैं अभी मैंने काम शुरू ही किया है, अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो अभी बहुत काम करना है. पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट हैविंग फन विद माय क्राफ्ट एज एन एक्टर. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए होमा, बहुत Thank अच्छा लगा. एंड फाइनली वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई जो मैं हमेशा से रिपीट कर रहा हूँ. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर महारानी सीजन 2 जो कि बहुत जल्द सोनी लिव पे 25 अगस्त को आने वाला है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू द लवली केक आल्सो. थैंक यू, रियली टच्ड. थैंक यू.